मैं चलूंगा मुश्किलों में, इस जहां में तू मेरा। सो हेलो ऑल सब गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल ट्रेंड। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो प्रीवियस में जिस तरह से वीडियो आपने देखा, ठीक है, इस तरह से लेडीज वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी का डिटेल देने वाला हूं। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। और वीडियो को आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे आपको एलर्ट मोशन आप ओपन कर लेना। अगर आपको बस एलर्ट मोशन का प्रो वर्जन नहीं है तो अपना टेलीग्राम चैनल पर जाकर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑल आपको करना होगा प्लस बेल आइकन के ऊपर टैप कर देना। देन आपको 9:60 का प्रोजेक्ट आपको सिंपल से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक रहना चाहिए, ठीक है। देन आपको इधर से टैप कर देना, आपको प्लस बेल आइकन को जाना, ठीक है। अभी आपको जो भी सॉन्ग का आप स्टेटस बनाना चाहते हो वो आप सॉन्ग आप ऑडियो सेशन से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये अगर आप वीडियो फॉर्मेट है तो मीडिया पे जाके आप वो वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आपको मैं 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रेट ऑडियो कर दूंगा इधर। देन जो वीडियो है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। जैसे अभी आपको करना क्योंकि आपको जो सॉन्ग है वो आपको सुनना है, ठीक है। एंड सुन के आपको इधर इस टाइप से बिटमार्क लगा देना, ठीक है। तो आप ये सुन के आपका जो स्टेप से सुन के आप लास्ट तक आप बिटमार्क लगा देना, ठीक है। जो सबसे पहले आपको आना है, ठीक है। देन अभी आपको इधर से अभी लिरिक्स लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस लाइकन को जाना, इधर आपको टेक्स्ट पे जाना है। एंड जो आपको फर्स्ट लाइन है, ठीक है, वो आप लिखना है। तो मैं इधर लिख रखा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से लिखना है आपको, ठीक है। दो आप जो कॉर्नर पे इसके ऊपर टैप करके आपको टेक्स्ट को बीचों बीच ले आना, ठीक है। अंदर रेगुलेटर रेगुलेटर पे जाना है, ठीक है। अंदर व्यू वॉल पे जाना है। इधर दो फॉन्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। वो फॉन्ट का आप नीचे से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आपको ऐड करना नहीं है तो ये 3 डॉट पे क्लिक करके इनपुट फाइल्स फॉन्ट से आप इनपुट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले जो फॉन्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है कैनवा, ठीक है। ये इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसका जो साइज है ये आपको इस टाइप से बढ़ा देना है, ठीक है। इस टाइप से बढ़ा लेना है तो 112 में रखूँगा, ठीक है। आप अपना हिसाब से थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 112 रखूँगा। देन इसका जो कलर है ये आपको व्हाइट कर लेना है। देन ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। अभी आपको करना क्या, इधर इसके ऊपर आपको कुछ इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए टैप कर लेना, देन इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। इधर आपको सर्च बार पे क्लिक करना है वाइप करके, ठीक है। तो इस वाला वाइप को आपको सिंपल स्टैंडर्ड सेट में आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसका जो स्टार्ट है इसको आपको इस तरह से बढ़ा लेना है, ठीक है। 52 आपका कर लेना है, ठीक है। हाँ 52 इतना तक 52 का आप कर लेना है। देन इसका जो एंगल है इसको आपको बढ़ा के आपको कर लेना है 90 डिग्री, ठीक है। 90 कर देना है। इसका जो फेदर है इसको आपको बढ़ा के 64 कर लेना है, ठीक है। तो मैं इतना रखूँगा, ठीक है। देन इसको 3 डॉट पर क्लिक करके इसको आपका एक डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। जो नीचे वाला डुप्लीकेट है इसको ऊपर टैप कर लेना है, ठीक है। इसको आपको जो एंगल है ये आपको और बढ़ा ले, ठीक है। देन 270 कर लेना अपने आपको बढ़ा के, ठीक है। 270 हो गया। देन इसको आपको कुट करना नहीं है, ठीक है। देन आपको अभी आपको करना होगा, आपको एड इफेक्ट पर जाना है, ठीक है। एड इफेक्ट पर जाने के बाद आपको और एक आपका मतलब ऐड कर लेना इफेक्ट, आपको शार्पनर करके लिखना है, ठीक है। तो फिर आपको आ जाएगा शार्पनर करके, इसको आपको स्टैंडिंग शीट में मतलब ऐड कर लेना, ठीक है। देन इसको आपको करना क्या होगा, इसको आप कम करके आप अपना देख लेना कितना आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं इतना रख देता हूँ, ठीक है। आप अपना देख सकते हो। देन इतना हो जाने के बाद अभी आपको करना क्या होगा, आपको फर्स्ट पे आना है। देन प्लस लाइक टेस्ट पर जाके इधर आपको जो सेकेंड लिरिक्स है आपका, ठीक है, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये मैं लिख लूँगा। देन इसको आपको टेस्ट को बीचों बीच ले आना है, रेगुलेटर रेगुलेटर पर जाना है, ठीक है। इधर आपको जो सेकेंड और एक फॉन्ट है बिग नूडल का, इसको मैं ऐड कर लूँगा। देन इसका जो साइज़ है आपको मतलब कम करके 11 या 12 आप रख लेना। देन इसका जो कलर है आपको कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब व्हाइट छोड़ के, व्हाइट एंड ब्लैक छोड़ के, तो मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। देन मोबाइल ट्रांसफर पर जाके इसको जो है आपको इस टाइप से कुछ रोटेट कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से रोटेट कर लेना। देन इसको मूव करके आपको इस स्टेप से इधर आपको लगा देना। आप कहीं पर लगा सकते हो तो मैं इधर लगा दूंगा, ठीक है। देन इतना हो जाने के बाद भी आपको करना क्या होगा, ये तो जो लिरिक्स है ये लेयर को आपको इस टाइप से सिलेक्ट करके इसको ऊपर टैप करके आपको कॉपी टू लेयर कर देना है। देन आपको नेक्स्ट बिटमार्क आने के बाद आपको इसको इस टाइप से पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड जितना तक आपका बिटमार्क रहेगा उतना तक आपको भी लिरिक्स को ले आना है, ठीक है। देन इसको बाकी स्टेप्स आपको नेक्स्ट पे आपको पेस्ट कर देना है।
ठीक है। तो इस स्टेप से आपको पेस्ट लास्ट तक आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो आप इस स्टेप से पेस्ट कर देना, ठीक है। देन फर्स्ट लिरिक्स हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट बिटमार्क आना है, इसका जो लिरिक्स है आपको चेंज कर लेना, ठीक है। तो मैं इधर एडिट टेक्स्ट पे जाना है, इसके ऊपर चेंज कर लेना, नेक्स्ट जो लिरिक्स रहेगा वो मैं इधर लुक लूँगा, ठीक है। देन इसको सॉरी, या अगर आपको इस स्टेप से होता है तो आप इस स्टेप से मतलब कर लेना, ठीक है, इस स्टेप से कुछ। देन ऊपर वाला जो लिरिक्स है इसको भी एडिट टेक्स्ट पे जाना है, ठीक है, इसको मिटा के जो नेक्स्ट लिरिक्स है ये आपको लिख लेना है, ठीक है। एंड इसका जो कलर है आप ये अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मतलब अच्छा है वो तो चेंज करने के लिए आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। देन मूव एंड ट्रांसफर हो जाके रोटेट पर क्लिक करके आपको इस स्टेप से 45 डिग्री तक रोटेट कर लेना, ठीक है। देन मूव पे जाने के बाद आपको इस स्टेप से मूव कर देना, देन इधर आपको लगा देना है, आप कहीं भी लगा सकते हो, तो मैं इधर लगा दूंगा, ठीक है। देन थर्ड लिरिक्स को आपका आना है, इसको भी आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। तो मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस स्टेप से चेंज कर लेना, देन ओके पे क्लिक कर देना। ऊपर वाला जो लिरिक्स है इसको भी आपको एडिट टेक्स्ट पे जाके इसको मिटा के आपका जो लिरिक्स है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको भी लिखना हो जाने के बाद आपको इसका जो कलर है ये आप चेंज कर लेना, ठीक है। देन इसको ओके कर देना, एडिट टेक्स्ट पे जाना है, सॉरी। देन मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है, ठीक है। इसको मूव करके आप इस स्टेप से करके आप इधर भी लगा सकते हो, ठीक है, आप कहीं भी लगा सकते हो। तो इधर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये इस स्टेप से आप बाकी का भाई इस स्टेप से चेंज चेंज करके कर देना है, ठीक है। अभी आपको और इफेक्ट अभी और भी इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, जो दो टेक्स्ट है इसको आपको इस स्टेप से सिलेक्ट कर लेना, इसको एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है। देन इसको भी आपको चेंज करके ग्रुप बना लेना है, ठीक है, इसको भी ग्रुप बना लेना। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको आपको टैप कर देना, ठीक है, तो ग्रुप बन जाएगा। अभी आपको इसके ऊपर इफेक्ट ऐड करने के लिए ग्रुप ऑन के ऊपर टैप कर लेना, मूव एंड ट्रांसफर पर जाना, ठीक है। रोटेट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, फर्स्ट पे एक बीट मार्क लगा देना है और लास्ट पे और एक बीट मार्क लगा देना है, ठीक है। देन इसको कर देना आपको 60, स्टेप से बढ़ा के 60 डिग्री कर देना, ठीक है। तो आपको मतलब हो जाएगा, देन सॉरी, देन इधर जूम वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर आपको आना है। सबसे पहले आपको एक बीट मार्क लगा देना है, थोड़ा दूर आपको आना है इस टाइप से, इधर आपको एक बीट मार्क लगा देना है, ठीक है। और देन इसको बढ़ा देना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है इसको 2000 कर लेना है, ठीक है। ये जो दो ए है इसको आपको 2000 कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते आप 2000 हो गया। देन आपको लास्ट पे चले आना है, ठीक है, इधर आपको एक बीट मार्क लगा देना है। एंड इसको जो फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन है, ठीक है, वाइट करके इसको आपको 7000 कर देना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से बढ़ा लेना है, तो देख सकते 7000 हो गया, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको सबसे पहले जो बीट मार्क है इसके ऊपर आपका आना है, ठीक है। ये जो तीन बीट मार्क लगा ना, तो सबसे पहले वाला बीट मार्क आना है एंड उसके हिसाब से कम करके आपको एकदम कम कर देना है, ठीक है, इतना तक, ठीक है, इतना तक, ठीक है। देन आपको छोड़ देना है, देन ग्रुप ऑन के ऊपर क्लिक कर इफेक्ट पर जाना है, ठीक है, एड इफेक्ट पर जाना है इधर आपको, ठीक है। देन आपको ब्लर के ऊपर क्लिक करके इधर जो मोशन ब्लर है इसको आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में ओपन कर लेना, ठीक है, इस स्टेप से। तो आपका जो है वो हो जाएगा, आप देख सकते हैं स्टेप से आपका कुछ इफेक्ट स्टेप से लग जाएगा, ठीक है। देन आपको करना क्या होगा, बाकी के ऊपर इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको इसके ऊपर टैप करना है, ठीक है। देन इसके ऊपर टैप कर ले आपको जो कॉपी लेयर कर देना है, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट बीट मार्क आपको आना है, ग्रुप टू के ऊपर आपको स्टेप से सिलेक्ट कर लेना, इसके ऊपर टैप करके आपको जो पेस्ट स्टाइल के पास एक एरो है इसके ऊपर टैप कर देना, ठीक है। देन आपको ये सब ऑफ कर देना, ठीक है, ये जो सिर्फ रोटेड है और जो ये वाला है, ठीक है, ये आपको सिर्फ ऑन करके रखना है एंड पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर आपको आना है, इसको भी आपको सबसे पहले पेस्ट कर देना है, पेस्ट स्टाइल कर देना है, ठीक है। तो इस सबसे बाकी भी आप पेस्ट स्टाइल कर देना। अभी आपको इधर जो फर्स्ट वाला है ये ठीक है, जो सेकंड वाला है, ठीक है, इसके ऊपर आपको आना है, ठीक है, मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है, इधर रोटेट है, ठीक है, लास्ट पर आपको आना है, ये 60 डिग्री है ना, तो ये आपको अभी -60 पे कर लेना है, ठीक है, ठीक है, -60 पे कर लेना। एंड जो थर्ड है ये भी आपको +60 है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये ठीक रहेगा। आज जो फोर्थ वाला जो है, ठीक है, जो रहेगा उस पर आपको माइनस कर देना, मतलब एक प्लस एक माइनस कर लेना, ठीक है। तो इस स्टेप से आपका कुछ इस स्टेप से लग जाएगा, ठीक है।
अभी आपको लास्ट पे और एक छोटा सा काम करना होगा, ठीक है। एच डी आर सी सी आर जो ग्रेडियंट है वो अगर आप देना चाहते हो तो मैं उसके लिए बना के रखा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल से इस स्टेप से दोनों लेयर को क्लिक करना है, इसको ऊपर टैप करके कॉपी टू लेयर कर देना है, ठीक है। देर आपको बैक चलाना है एंड जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसको ऊपर टैप करना है, ठीक है। इसको ऊपर टैप करके आपको पेस्ट टू लेयर कर देना है, ठीक है। आपको लास्ट पे चलाना है, ये दो लेयर को आपको स्टेप से क्लिक करके आपको लास्ट तक ले आना है, ठीक है। तो आपका जो है स्टेप से थोड़ा और जो है इफेक्ट लग जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। आपको सिंपल से इस वाला बटन को ऊपर क्लिक करके आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।